सवाई माधोपुर के शिवाड़ ज्योतिर्लिंग पर महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले की शुरुआत शिव बारात और शोभा यात्रा से हुई, जिसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई है। शिवरात्रि को मेला लगता है तो इसलिए यहाँ पे लोग देखने आते हैं। नई जिनको न्यूली वेड होते हैं वो यहाँ अपनी मन्नत मांगने आते हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा शिवरात्रि के दिन इस ज्यादा ये प्रसिद्ध है। जो सवाई माधोपुर में ये शिवलिंग है ये भी बहुत फेमस है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है और ये बहुत प्राचीन है। यहाँ लोगों की मान्यता है कि यहाँ घूमने आने से कि मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर पहाड़ के ऊपर प्राकृतिक रूप से कैलाश मानसरोवर की झलक मिलती है और ये प्राचीन बहुत प्राचीन मंदिर है। इसमें लाखों लोग आते हैं दर्शन करते हैं। 5 दिवसीय मेला लगता है यहाँ पर। 5 दिवसीय मेले में दूर दूर गांव-गांव से पब्लिक आती है, लाखों श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं। भूमेश्वर महाराज का सबसे बड़ी बात है जो आज 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक हमारा ये स्थान है और बहुत सिद्ध स्थान है। और मैं समझता हूँ आज महाशिवरात्रि का पर्व है पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, खासतौर पर टोंक सवाई माधोपुर जनता के ऊपर ऐसे ही हमारे बाबा का आशीर्वाद मना रहे हैं। हम पूरा क्षेत्र दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें,